हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बताइए। बताइए हाँ अलहमदुल्ला। कौन? फैज़ रहमान। बताइए फैज़ रहमान साहब। बस जो है यार, सो रहे थे क्या आप? नहीं नहीं जाग रहे हैं। बताइए। तो आप एलएसडी में से और मात्रा मुलाज ले रहे हैं? हाँ तो और भाई किसको ले? जी ठीक है। और माकराम फिर आप अपने आपको मुकम्मल भी कहते हैं, फिर और माकराम की तकलीफ भी करते हैं, फिर कैसे कैसे? अच्छा उलमा इकराम की भाई कैसे होती है तकलीद? तकलीद की तारीफ क्या करते हैं आप अपने यहाँ? नहीं आपने मेरे भाई इल्जाम लगाया है ना कि उलमा दीन से पूछना जी, तकलीद है। जी जी किसी की बात को बगैर दलील के मान लेना ये तकलीद हमारे तो ये फिर जाहिल ने आपको बताया उल्मा... कि हम लोग बिना दलील के मान लेते हैं? जी ये किस जाहिल ने आपको बताया कि हम लोग अपने आलिमों की उलमाओं की बात को बिना दलील के मान लेते हैं? ये हमारे जाहिल ने नहीं बल्कि आपके जाहिल ने मौलाना सनाउल्लाह अहमद सरी ने बताया। अच्छा तो आप उनके मुकल्लिद हो गए? आप क्या उनके मुकल्लिद हो गए? एक मिनट मैं उनको अब आपके मौलाना सनाउल्लाह अहमद सरी जो है उनकी किताब में लिखा हुआ है कि किसी की बात को बगैर दलील के मान लेना ये तकलीद कराती है। हाँ ये तो हनफी जो उसूल की किताब है मुसल्लम सबूत उसमें भी लिखा हुआ है कि किसी भी गैरे नबी की बात को बिना दलील के मान लेना ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी आप, उस अमल का नाम नहीं, भाई तकलीद है। आपके मौलाना सनाउल्लाह साहब के फरी जो है ऐसी तकलीद तो मेरे भाई बिदअत है दीन में ना। हम बिना दलील के आग बन करके किसकी बात भाई हम फालतू में कहे के लिए मान लेंगे? हर बात में तो उनकी बात बुलाते हैं मौलाना सनाउल्लाह मेरे फरी को, सनाउल्लाह अमृतसरी ठीक रहीमुल्ला उनकी जो बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से साबित है ना, इसीलिए तो मानते हैं। तो अगर वो अपने घर की बात बताएंगे तो उनकी भी मानेंगे। ये भी तो साबित होगी यहाँ तकलीद मतलब यहाँ क्या कहते हैं, ये भी तो साबित नहीं साबित है। देखिए तकलीद जो है तकलीद एक फतवा था। ये तो तकलीद कोई दीन नहीं है भाई। जो ये तकलीद का जो आजकल ये बहुत ज्यादा नारा आजकल मार्केट में फैल रहा है तकलीद तकलीद तकलीद, ये तकलीद एक फतवा था। ये फतवा उनके लिए दिया गया था जो बेचारे एकदम कम इल्म थे जाहिल थे जिनको ना कुरान हदीस समझ में आता था ना उनको अरबी उर्दू आती थी। तो ये फतवा दिया गया था कि कोई आलिम दीन की बात को भाई वो मतलब बिना दलील के उनसे पूछ के भाई वो उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर दे और धीरे धीरे जैसे उनको इल्म हासिल होता जाए वो अल्हम्दुलिल्लाह तकलीद को छोड़ के इत्तबा पे आ जाए। तो ये एक दीन में भाई तकलीद दीन में जो पहले बन के आई थी वो आई थी एक छोटी मोटी मजबूरी। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप कहाँ की बात ला रहे हैं? मैं तकलीद मजबूरी बन के आई थी बाद में उसको लोगों ने जरूरी बना दिया। तो इन दोनों में फर्क मजबूरी बनकर बाद में जरूरी बना दिया। हाँ मजबूरी एक तकलीद थी जो जाहिलों के लिए एक फतवा दिया गया था कि भाई चलो जाहिल है बेचारा इसको कुछ नहीं आता इल्म से पैदल है और अगर इसको हम दलील भी देंगे तो भी ये समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे जाहिलों के लिए तकलीद थी लेकिन उस तकलीद को आजकल आलिमों ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है तो एक मजबूरी को जरूरी बना दिया। ये तो मेरे भाई दीन में एक ये नई बिदात है ना। ये बताओ कि आज सहाबे किराम के जमाने में जमाने में ये तो मजबूरी थी लेकिन आज के इतने बड़े आलिम हो मतलब मजबूरी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? सहाबा इकराम के दौर में भाई जो तकलीद है वो मौजूद ही नहीं थी। आपके मुल्ला अली कारी हनफी लिखते हैं तकलीद जो चालू हुई है वो 400 साल बाद चालू हुई है। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब इमाम का खलीफा बनाकर भेजा गया हाँ कुरान में ना मिले तो हदीस देखेंगे, हदीस में ना मिले तो अमले सहाबा देखेंगे, अमले सहाबा में ना अगर मिले तो उम्मत का इजमा देखेंगे, इजमा में ना मिले तो कयास करेंगे। तो इससे आपने मेरे भाई तकलीद की दलील कहाँ से ले ली? तकलीद किसी की बात को जब उनके पास दलील देखा अल्लाह ताला ने किस आयत में कुरान में कहा कि ए लोगो तुम लोग बिना दलील की बात को मान लो? कब कहा? हाँ क्या इसका तर्जुमा है बताओ जरा। हाँ इसका तर्जुमा क्या है? बस अलू ठीक है तुम पूछ लो अगर तुम उसको नहीं जानते हो। हाँ तो ये जो भाई जो पूछना होता है तकलीद होता है हाँ, ये आपको किस जाहिल ने बताया कि आलिम दीन से पूछना मेरे भाई तकलीद होता है?
अगर पूछना तकलीद होता है तो आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपने किसी पान की दुकान पे उससे पूछ लिया भाई मुझे फला एड्रेस पे जाना है, पते पे जाना है, तो क्या पान वाले से आपने पूछ लिया तो क्या पान वाले को आपने अपना इमाम बना दिया, मुज्तहिद बना दिया? उम्र के बारे में नहीं कह रहा, दीन उम्र के बारे में कह रहा हूँ मैं। अच्छा चलिए दीन के बारे में हम कह रहे हैं। अभी मैंने भाई मैं किसी आलिम दीन के पास गया और मैंने उससे पूछ लिया कि भाई दीन इस्लाम में कितने वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है और उसने हमसे बता दिया 5 मिनट की नमाज फर्ज है, तो क्या ये तकलीफ हो गई? आप इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला का कॉल पेश कीजिए कि किसी से कोई बात पूछना ये तकलीद है। कॉल पेश करें, आप उनको मानते भी नहीं, कॉल भी आप उनको मानते हैं ना, मुकल्लिद के लिए इमाम का कॉल हुज्जत है, तो आपको किसने बताया कि भाई किसी से कोई बात पूछना ये तकलीद है? जी हमारे आपके पास कोई फरिश्ता आया या अल्लाह ताला ने आसमान से कोई वही नाजिल किया आपके ऊपर कि किसी से कोई बात पूछना तकलीद है? जी हाँ, मुझे अल्लाह ताला से नाजिल की गई। कौन सी आयत? ये कह रहा हूँ कि आप हर बात में तो वहाँ अल्लाह साहब की बात को ले रहे हैं, लेकिन इस बात में जो छोड़ दे रहे हैं उनको ये बताइए कौन सी बात में छोड़ा हमने? ये किसी की बात को देखा दिल के मानने तकलीद अल्लाह साहब कहते हैं तो बिल्कुल वो तो भाई वो तो तकलीद की भाई जो तारीफ है वो तारीफ बता रहे हैं ना इस्लाम में कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना ये तकलीद है, तो उनकी तारीफ हम मानते हैं ना। उन्होंने जो ये तारीफ की है तकलीद की ये तो मेरे भाई हनफी मसलक की मुसल्लम सबूत में भी आई हुई है। आप ये नहीं कह रहे हो कि क्या नाम है कि हाँ जिसको कुरान हदीस का इल्म हो, आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, उलमाए हक हो, अगर हमें कुछ नहीं मालूम है तो उनसे पूछेंगे ना। अब अल्लाह के नबी तो है नहीं भाई जो हम लोग जाके नबी से डायरेक्ट पूछे, तो अब आलिम दीन है ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो उलमा है वो अम्बिया के वारिस हैं, तो कोई मसला नहीं समझ में आ रहा है तो आलिम दीन उलमा इकराम के पास जाएंगे ना, समझ लें। हाँ ठीक है, तो ये तकलीद कैसे हो गया? कैसे नहीं हो गई तकलीफ भाई, बिना दलील के बात मानना। अल्लाह ताला ने कौन सी आयत में कहा कि ए लोगो तुम ये किसी भी अपने बड़े की बिना दलील के बात मान लो, बल्कि अल्लाह ताला तो खुद इसको उल्टा कह रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि हाँ तो बुरान कुम इन तुम कुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो, दलील लाओ, तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं भाई वो दलील मांगो, और आप लोग कह रहे हो कि बिना दलील के आग बन करके बात मान लो, तो हम अल्लाह की बात मानेंगे या भाई आपकी बात मानेंगे? ठीक है, आप खाना आपने खाना खा रखा है? हाँ तो क्या खाना खाना भी तकलीद है? एक मिनट बता दो, खाना खा चुके आप? नहीं अब मतलब आपके वहाँ भाई तकलीद है क्या, खाना खाना, पानी पीना, नहाना, शैम्पू लगाना, तेल लगाना, क्या तकलीद है आपके वहाँ? आप तकलीद का पूछ और हो गया है। नहीं आप मेरे भाई खाना क्यों पूछ रहे हैं ना, बात भाई तकलीद हो रही थी तो आप खाने की बात। खाना हो जाओ दीजिए, आप खाना खाए तो अच्छी बात है, खाना का बताइए। नहीं अभी नहीं खाया। आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं? चावल खाते हैं आप? हाँ मेरे भाई जो अल्लाह ताला दे रहा है रूखा सूखा चटनी रोटी खा रहे हैं। जी खा रहा हूँ, सही बात है, लेकिन आप ये कुरान चावल खाना जायज है? अरे अल्लाह ताला ने बताया ना जो भी पाक चीजें हलाल चीजें खाओ, क्या क्या नहीं खाना है ये अल्लाह और अल्लाह के अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बता दिया। अरे ऐसे तो कल को आप कहोगे कि भैया जो ये समोसा है, बिरयानी है और केला है और फला फला ढमा ढमा है और पिज्जा है, मेमोज है, बर्गर है, ये सबका नाम हमको कुरान में दिखाओ, तो ये तो जाहिलों वाला सवाल है ना। जाहिर वाला सवाल है जो आप कह रहे कुरान हदीस खिलाओ, जो कुरान हदीस उसको माने उसके अलावा नहीं माने। तो कुरान हदीस तो मेरे भाई आ गया ना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पाक और हलाल खाने की चीजें दी हैं वो खाओ, तो आप हमको बता दो चावल भाई, अगर चावल भाई ये नापाक है तो हम नहीं खाएंगे, आप साबित कर दो क्या? चावल खाना नापाक है आप साबित कर दो, हम इंशाल्लाह नहीं खाएंगे। मैं तो साबित कहाँ कर पा रहा हूँ, तो जब खुद साबित नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेरे भाई फर्जी सवाल काहे कर रहे हैं? फर्जी सवाल करने वालों पे सहाबा इकराम लानत करते थे। जो तुम कहो मैं साबित कर दूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम ये कह रहे हो कि कुरान हदीस खिलाओ जो कुछ उसमें नहीं मानेंगे, बताओ ये कहाँ लिखा हुआ? कुरान हदीस में आया है ना जो चीजें हलाल हो पाक हो खाओ, तो चावल अलहमदुल्ला हलाल है पाक है हम खा रहे हैं, अब आप साबित कर दो कि चावल खाना हराम है नापाक है तो हम खाना छोड़ देंगे।
भाई दावा आप कर रहे हो तो दलील आप दोगे ना, चावल का ऑब्जेक्शन आपने उठाया है। ठीक है, आप अल्लाह ने फरमाया जो चीज हराम उसको खाओ, ठीक है भाई, हराम नहीं जो हलाल उसको खाओ। आप मेरे भाई पागल अगल हो क्या? पागल नहीं यार, तुम्हारा दिमाग माउक हो गया। मैं हलाल चीज कह रहा हूँ, आपको दिमाग ऑपरेशन करा दीजिए। ठीक से बोलो ना मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने फरमाया जो चीज हलाल उसको खाओ, ठीक है। जो जो हराम है वो अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी के फरमान में उनके नाम आ गए हैं, उनको छोड़ के जो हलाल चीजें हम खा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला एक एक आइटम का नाम बताता ना कि समोसा खाओ, डोसा खाओ और वो काला जाम खाओ, इमरती खाओ, जलेबी खाओ, तो आज मेरे भाई कुरान इतनी मोटी होती कि जब मेरे भाई पतली कुरान है तब तो कोई पढ़ता नहीं है, और कहीं मोटी होती तब तो कोई एकदम ही ना पढ़ता। हाँ तो आप चार रकात पढ़ते हैं, दो ही रकात पढ़ते हैं आप? नहीं आप लोग ना, आप लोग मेरे भाई कुरान हदीस कभी खोल के तो देखते नहीं हो, आपको ना अपने इमाम का था पता है, बस आपके आलिमों ने आपको एक खिलौना भाई आपको एक खिलौना और वो क्या बोलते हैं झुंझुना दे दिया है कि बस कुछ भी हो भाई तकलीद करते रहो। मेरी आज तक ये नहीं समझ में आया कि हनफी मुकल्लिदों ने, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अपनी जिंदगी में कौन से ऐसे मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की भाई तकलीद की? एक मसला बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कौन से ऐसे अहम मसले में आप आके फंस गए जिसकी दलील आपको कुरान हदीस से नहीं मिली और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद आपको करनी पड़ गई? एक मसला बताओ। नहीं बहुत से ऐसे मसाले हैं, एक बता दो ताकि हमको इत्मीनान हो जाए कि यहाँ हनफी मुकल्लिद भाई ने वाकई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद की। एक मसला बताओ ना। आप नमाज पढ़ते हैं? नहीं हमें छोड़ दो, हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ मतलब वही जवाब दे रहा हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं भाई? आपने कौन से मसले में तकलीद की? अरे यार मैं डरते यार तुम। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। अभी आप भाग रहे हो ना, मैंने आपसे सवाल, भाई आपको बात करने के आदाब भी नहीं मालूम है, पहला मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए, मेरे ऊपर मतलब सवाल ना ठुकना। नमाज पढ़ते हो ना, वो सब हम आपको क्यों बताएं? आप बताइए आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किस मसले में तकलीद की? हमारे इमाम ने कहा कि तकबीर उंगला फर्ज है, तो बेतहरी में कहना फर्ज है, ठीक है, तो ये मतलब भाई तकलीद हो गई है। बताइए जाहिल आदमी, ये तकलीद हो गई, तकबीर तहरीमा फर्ज है, इसमें आपने तकलीद कर ली? समझता मतलब तकलीफ आपने क्या बना रखा है मेरे भाई, ये आपके लिए तकलीफ बनता जा रहा है, नासूर बनता जा रहा है? तो सुनने साल तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कॉल कहाँ पे आपने पढ़ा? पूरी बात तो सुनेगा तू, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कॉल कौन सी किताब में आपने पढ़ा कि तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है? नहीं मेरे नजदीक तो अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक तो तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है, लेकिन आपने अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को छोड़ के इमाम से आपने मालूम किया है ना, तो आपके इमाम ने कहाँ कहा तुम्हारे नजदीक कौन सी किताब में आपने पढ़ा तकबीर तहरीमा फर्ज है तुम्हारे नजदीक? अरे हमारे नजदीक तो फर्ज है, आपने कहाँ पढ़ा कि तकबीर तहरीमा फर्ज है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा दलील कहाँ से फर्ज है बता दलील? अरे आपके इमाम साहब ने कहा पहले उसकी तो आप दलील दीजिए, कौन सी किताब में कहा उन्होंने? अरे जाहिल आदमी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने किस किताब में कहा कि तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है? बताओ ना, इतना बड़ा झूठ बोल दिया तुमने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ऊपर। हाँ कौन सी किताब में उन्होंने कहा कि तकबीर तहरीमा भाई ये कहना फर्ज है? बता दी तू कहाँ से निकाल लिया तकबीर तहरीमा फर्ज है, बता तू कहाँ से निकाल लिया? अरे वो तो हदीस से साबित है ना, वो तो हदीस से साबित है ना, वो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, सही अल बुखारी हदीस नंबर 631। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाज का तरीका कुरान हदीस में है, वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले जो तुमने अपने इमाम के ऊपर झूठ बोला है उनके ऊपर बोहतान बांधा है कि तुम्हारे इमाम साहब ने तुमको बताया कि तकबीर तहरीमा फर्ज है, कौन सी किताब में बताया? हमारे इमामों से उसकी बुराई करते हो साले, कौन सी किताब में बताया मेरे भाई? हम भी तो देखे वाकई आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद की कि नहीं की, मतलब कैसे तकलीद करते हो मेरे भाई, मतलब तुमको अपने इमाम का कॉल भी नहीं पता हो, तुमने बिना कॉल के ही तकलीद कर ली, हवा में तकलीद कर ली?
क्या क्या फोन नहीं बताओ नहीं मतलब भाई ये जो तकलीद है ये क्या है, काला जादू है क्या कि बिना पढ़े लिखे कुछ भी तकलीद हो जाती है? हाँ आए ना करो, आओ ना वहीं रहो, जितना पूछ रहा उतना जवाब दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी कौन सी किताब में ये लिखा कि तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है, ताकि हमको यकीन हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि तुमने वो किताब पढ़ी है और उस किताब में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल तुमने पढ़ा है, तब तो मानेंगे तुमने उनकी तकलीद की है। हेलो, हाँ बोलो। फर्ज की तारीफ क्या है? फर्ज की तारीफ क्या है भाई? पहले तो तमीज से बात कीजिए, वरना जबान खींच के अपना जूता साफ करेंगे हम, ठीक है? तो ये अबे तबे से बात कीजिएगा नहीं, आपके अब्बा जान का मैं नौकर तो हूँ नहीं। दीन की बात हो रही है तो थोड़ा दीन के लहजे में बात कीजिए, ये अबे तबे करके बात करेंगे तो इज्जत से फोन काट दीजिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, उसके ऊपर इजमा है। गैर मुकल्लिद क्या होता है भाई? गैर मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह है। अशरफ अली थानवी ने अपनी कलम से लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह गैर मुकल्लिद है। तो अब जितनी लालतान करना है अपने इमाम के ऊपर लालतान करो। हराम काम को हलाल कहते हो जो? हाँ वही, तुम्हारे इमाम के नाम से मंसूबे मेरे भाई किताब है, उसमें उन्होंने हलाल को हराम कर दिया है। तुम करते हो भाई, कहते हो कि तीन बताओ ना, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। एक अमल बता दो अहले हदीसों का जो कुरान हदीस से साबित ना हो। तीन तलाक देकर उसके बाद रख लेते हो, बताओ ये हराम कारी जिंदगी भर? अबे तीन तलाक हमारे वहाँ कोई देता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम लोग जो तलाक देते हो ना, उसको तो हाई कोर्ट ने भी भाई वो बैन कर दिया है, यहाँ तक कि सरकार ने भी बैन कर दिया है। तुम लोग जो मेरे भाई एक साथ तीन बार तलाक तलाक बोल के अपनी औरतों को छोड़ देते थे और अपने कौम की माँ बहन की इज्जत मेरे भाई लूटते थे हलाले के नाम से, वो सब बंद हो गया है। आपकी छाती पे साफ भाई इसलिए लूट रहे हैं कि जो तीन तलाक है वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को बंद कर दिया है, तो आप लोग मेरे भाई हलाला कर नहीं पा रहे हो, तो आप लोगों की आग लगी हुई है। अपनी माँ बहन जो अपनी कौम की औरतों की इज्जत भाई आप लोग को लूटने को मिल नहीं रही है, तो आप लोग के हवस की भूख एकदम सवार हो गई। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने एक मजलिस में तीन तलाक दे दी तो वो एक ही तलाक है। सही अल मुस्लिम की हदीस है, जाके खोल के पढ़ लेना। अल्लाह के नबी के दौर में एक मजलिस की तीन तलाक एक ही मानी जाती थी। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तीन तलाक एक मजलिस की एक ही मानी जाती थी। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के शुरुआती दो साल में तीन तलाक एक मजलिस की एक ही मानी जाती थी। लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोगों ने तलाक को मजाक बना लिया था। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये एक पनिशमेंट को लागू किया, ताजीर को लागू किया कि अब अगर किसी ने तलाक को अगर खेल बनाया, मजाक बनाया, तो मैं अगर किसी ने तीन तलाक दी तो मैं उसको तीन ही मैं उसको जोड़ लूंगा, ताकि लोग तलाक में जल्दबाजी ना करें, तलाक को मजाक ना बनाएं। तो ये तो ताजीर थी ना, अब तुम ताजीर को शरीयत बना लोगे, शरीयत को छोड़ दोगे, ये तुम्हारे मेरे भाई घर का दीन है क्या? ताजीर थी। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा जो तलाक है वो स्टेप बाय स्टेप है। किसी भी एक भी आयत में ये नहीं कहा कि तुम इकट्ठा एक ही मजलिस में एक ही सांस में अपनी बीवी को छोड़ सकते हो। अबे शादी भी कोई खेल थोड़ी ना है कि तुम शादी करके लाओ और बीवी को बस कोई भी बात हो जाए, बस तीन बार तलाक 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 बोल दो और उसके बाद तुमको उसको वापस लेना हो तो जाके उससे कहो कि जाओ उसके साथ सो, उससे शादी करो, उससे हलाला करो। तलाक मर्रतान, जाहिल आदमी तलाक स्टेप बाय स्टेप है। हाँ तो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तलाक मर्रतान, हाँ तो जब स्टेप बाय स्टेप है तो तुमने एक मजलिस में भाई बिना किसी स्टेप के तुमने कैसे मेरे भाई अपनी बीवी छोड़ दिया? बात सुनो, अब तलाक मर्रतान, उसके बाद थोड़ी देर जाके कहा गया कहीं कल लगा पड़ा दहल लो में यहाँ सात ताकीब है ना, सात ताकीब है। अबे जाहिल आदमी, कुरान की एक आयत पढ़ दो कि एक मजलिस में अगर कोई शोहर अपनी बीवी को एक सांस में तीन तलाक दे देता है तो वो उसकी बीवी उसके ऊपर मतलब हराम हो जाती है। चलो आयत पढ़ो फटाफट। नसाई शरीफ की हदीस है, ठीक है। आज एक आदमी आया, आप कहने लगा कि
एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दी, तो आज हसन गुस्से में खड़े हो गए, ठीक है, गुस्से में खड़े हो गए और कह दिया कि बताओ मेरे रहते हुए भी कुरान को खिलवाड़ बना लिया है। अबे जाहिल आदमी, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है 3, तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कैसे दिया, तो वो कहता है कि मैंने एक साथ एक ही मजलिस में 3 बार अपनी बीवी को मैंने मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ जाहिल आदमी, तेरी तरह किताब खोल के तुम्हें बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुमने एक मजलिस में 3 तलाक दी है तो वो एक ही तलाक है, तुम चाहो तो अपनी बीवी से रुजू कर सकते हो। कहाँ पे है? अबू दाऊद की हदीस है। अबू दाऊद की हदीस है? हाँ जाहिल आदमी, खोल के पढ़ लेना। अरे नसाई शरीफ की हदीस है जो मैं बता रहा हूँ। भाई आप हमें एक कुरान की आयत पेश कर दीजिए कि एक ही मजलिस में 3 तलाक देने से बीवी हराम हो जाती है। नहीं आप मतलब ये मुकल्लिदों का क्या दीन है मेरे भाई? एक एक मुकल्लिद अगर दूसरे मुकल्लिद के पीछे नमाज पढ़ ले तो उसका निकाह टूट जाता है। एक मुकल्लिद अगर अपनी मुकल्लिद बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दे तो उसका मेरे भाई तो शादी होती है टूट जाती है, बीवी हराम हो जाती है। मतलब कोई मेरे भाई ये खेल मजाक बना रखे हो? शरीयत पे अमल करते हैं समझे, तुम लोग इतना हराम नहीं करवाते हैं। अबे शरीयत नहीं है ये, हनफी मसलक का ये बेकार तलाक का तरीका है। इस तलाक के तरीके को तो दुनिया वाले नहीं मान रहे हैं, नॉन मुस्लिम नहीं मान रहे हैं, नॉन मुस्लिम ठोक रहे हैं तुम्हारे ऐसे गंदे हलाले वाले भाई जो ये तलाक है उसके ऊपर। अच्छा हलाला करवाना कैसा है? सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे तलाक के ऊपर लात मार दी है और कह दिया है एक साथ कोई तलाक देगा तो उसकी नहीं होगी। अच्छा हाँ भाई तुम जाहिल भाई जो जाहिल मुकल्लिद हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़ गया है। हमारे तलाक पर लात मार दिया, तुम्हारे पहले तलाक की तायद की है? नहीं बिल्कुल, हमारा जो कुरान हदीस से तलाक साबित है स्टेप बाई स्टेप भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कोर्ट में भी होता है। कुरान के अंदर कहाँ है? इस्टर बाई इस्टर जो भी कोर्ट में जो भी तलाक का भाई प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से ही मेरे भाई आकस किया हुआ है कि पहले दोनों को समझाया जाए, समझाने के बाद दोनों को समझौता उनका कराया जाए, समझौता ना हो तो उनको भाई भाई 3 महीना 6 महीना उनको साथ में रहने का टाइम दिया जाए, उसके बावजूद अगर उनके आपस में ना बने तो कोर्ट उसको तलाक देगा। तो कोर्ट भी मानता है कि शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, और तुम लोग मतलब दाल में जरा सा नमक ज्यादा हो गया तलाक तलाक तलाक। अबे बीवी का तुम्हारे बाप की मेरे भाई जागीर है क्या जो मेरे भाई बाप बाप को उसको तलाक दे के उसका हलाला करवाते रहोगे? अच्छा हलाला करवाना कैसा है ये बताओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये इब्ने माजे की हदीस है कि जो हलाला करते हैं वो किराए का सांड है। तुम लोग साले पहले तो मेरे भाई शराब पी के अपनी बीवी को तलाक दे देते हो, नशे में साले अपनी बीवियों को तलाक दे देते हो, उसके बाद कहते हो जाके हलाला करो। अबे बीवी का तुम्हारे बाप की जागीर है? अबे जो औरत की इज्जत नहीं है इस्लाम में, जो औरतों को बदनाम करते हो, अपनी कौम की माँ बहनों की तुम इज्जत लूटते हो हलाले के नाम पे, 2-4 दिन का शौहर बन के 1-1 लाख रुपए हलाले के लेते हो के अंदर आया करवाने का। अबे वो जो हलाला है वो कौन सा हलाला है बताऊँ तुझे? अबे सुन बात सुन, वो प्लानिंग करके हलाला नहीं है जो तुम लोग जो ये हीला हलाला करते हो, हीला हलाला की प्लानिंग करके हलाला। कुरान सुनने से भागता है, शैतान हो गया तू। आप सुन ले मेरे भाई, जो कुरान में हलाला उसका माना क्या है? जो कुरान में जो हलाला है उसका माना ये है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को छोड़ दे और अगर उसकी बीवी जाके अपनी मर्जी से किसी से शादी कर ले और अगर उसका पति उसको छोड़ दे या उसके पति का इंतकाल हो जाए तो अगर वो चाहे तो इद्दत के बाद अपने पुराने शौहर से निकाह कर सकती है, तो ये हलाला है। लेकिन तुम लोग का हलाला क्या है? तुम लोग का हीला हलाला है, यानी कि पहले तो बीवी को एक साथ एक ही मजलिस में 3 बार तलाक तलाक बोल दो, उसके बाद फिर अफसोस करो, उसके बाद जाओ अपने हनफी आलिमों के पास, उनसे बताओ कि मैंने तो अपनी बीवी को भैया तलाक दे दिया है, तो हनफी आलिम कहेगा अब तो बीवी हराम हो गई है, अब तो उसको वापस आने के लिए हलाला करवाना होगा। तो फिर तुम लोग उन्हीं आलिमों से अपनी बीवी का हलाला करवा लेते हो?
शर्म आनी चाहिए बगैर तो तुम्हें शर्म करो। इंसान कितना गलीज हो सकता है जो अपनी बीवी को किसी पराए मर्द के साथ 2 मिनट भी अकेला बर्दाश्त करेगा, और तुम लोग अपनी बीवी का साले हलाला करवाते हो। जाहिलो मक्कारो कज़्ज़ाबो, इस्लाम के नाम पे धप्पा, जो कुरान हदीस में इतना अच्छा भाई तलाक का तरीका है उसको छोड़ के जबरदस्ती हनफी मसलक में मरे जा रहे हो हनफियों के पीछे, तो होगा क्या? अल्लाह का तो अजाब आएगा ही आएगा। आज क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे हनफी मसलक के जो 3 तलाक थी उसको लात मार दी। जाहिलो, ऐसा तलाक जो न दुनिया वालों के समझ में आता है, ना इंसानियत इसको मानने को तैयार है। ऐसा तो तुम्हारा बेटा गंदा तलाक का तरीका है। अभी भी कह रहे हैं हनफी भाई, हनफी मसलक से तौबा करके मेरे भाई कुरान हदीस पे आ जाओ, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। जो इंसान कुरान हदीस का अमल करता है, वो शोहर अपनी बीवी का हुकूक अदा करता है, बीवी अपने शोहर का हुकूक अदा करती है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई तलाक की नौबत ही नहीं आती है। और अगर शैतान भड़का दे तलाक की नौबत भी आ जाए, तो एहसन तरीके से अच्छे अंदाज से तलाक होता है। तुम्हारी तरह नहीं कि बस एक ही मजलिस में तलाक 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 बोल दिया, जाहिल कज़्ज़ाब। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? अगर हिम्मत हो तो उसका जवाब दे देना, वरना फोन काट के भाग जाना। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने अपनी बीवी के तीन तौर में, छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बहन से भाई मैं शादी करूँ और तुम्हारी बहन को मैं एक साथ कह दूँ तलाक तलाक तलाक, और अब तुम्हारी बहन को हमको वापस लेना है, अब मैं तुम्हारी बहन को जाके किसी और के साथ उसको सुलाऊं और उसका हलाला करवाऊं, क्या भाई होने के नाते क्या तुम ये तुम बर्दाश्त करोगे? अरे बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ, तुम क्यों रहे, भाग क्यों रहे भाई? अबे तुझसे मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, तेरे भाई देख, तेरे तो कुरान हदीस समझ में आएगा, तू तो अंधा मुकल्लिद है। मैं तुझसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि तेरी बहन से अगर मैं शादी करूँ और मैं उसको जबरदस्ती अपनी गलती की भाई वजह से मैं उसको तलाक दे दूँ और उसके बाद उसका हलाला करवा दूँ, तो क्या भाई होने के नाते तेरे को बर्दाश्त होगा? कुरान के अंदर एक तुम्हारे आलिम लोग मेरे भाई हलाले की फीस लेते हैं 1-1 लाख रुपए। और ये बताओ, अच्छा तुम जिसके पास अपनी बीवी को भेज रहे हो हलाला करवाने के लिए, अगर उसने तुमसे वादा किया कि हाँ हम खाली 3 दिन रखेंगे और उसने कहा नहीं अभी वापस हम नहीं करेंगे, हम तुम्हें भाई हलाला सेंटर, हम तुम्हें 2-3 महीने बाद तुम्हारी बीवी भाई हम वापस करेंगे, तो क्या तुमको बर्दाश्त होगा? अबे बहुत से तो ऐसे हलाला करने वाले हैं जो मेरे बाद दूसरों की बीवी से शादी कर लेते हैं, बाद में कुछ होते नहीं है। तो ये ध्यान करके अपनी अम्मा बहनों का भैया हलाला करवाना, बाद में वो छोड़ दे। हमारे यहाँ हलाला सेंटर है भैया, किसी को हलाला करवाना तो हमारे यहाँ जाए। बेटा तुम्हारे हलाला सेंटर, तुम्हारा जो हलाला सेंटर है वो तुम्हारे ही जो मदरसा है, मदरसों में तुम्हारा हलाला सेंटर है, वहाँ पे खाली तकलीफ सिखा सिखा के कौमों की माँ बहन की तुम लोग लूटते हो। ऐसे ऐसे मदरसे तुमको दिखा दूंगा ना जहाँ पे चोरी सिक्के हलाले का काम चलता है। जब से हलाला बंद हो गया तब से तुम लोग का दिमाग मेरे बहुत खराब हो गया है। अल्लाह तुम लोगों पर रहम करे, अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह हिदायत दे तुम लोगों को, अल्लाह तुम पर रहम करे मेरे भाई। जाओ आराम करो, तुम्हारी औकात नहीं है इल्मी बात करने की।